एपिक गेम्स लॉन्चर, जब आप इसे लॉन्च करेंगे तो इसकी स्क्रीन बहुत अजीब आती है। जहां क्लिक करेंगे वहां क्लिक होता ही नहीं है, स्क्रीन सही से नहीं दिखती है, हाफ स्क्रीन आती है, डबल डबल आता है। इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जो इस वाली सॉल्यूशन से ठीक हो सकते हैं। अगर कोई और भी प्रॉब्लम आ रहा है ठीक हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, सेरिसी टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है और मैं हूं दिलीप कंवर। आप देख सकते हैं मेरा ये एपिक गेम्स लॉन्चर यहाँ पे है, देखिए लॉन्च हो गया है। तो हमारा एपिक गेम लॉन्चर लॉन्च हो गया है। इसके बाद अब आप देख सकते हैं कि कितनी अजीब सी स्क्रीन आ रही है इसकी। मैं अगर कर्सर जहाँ ले जाऊंगा तो वहां पे हाईलाइट नहीं हो रहा है और कहीं अलग ही हाईलाइट हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे कर्सर है मेरा, बट हाईलाइट फ्रेंड्स पे हो रहा है। और देख सकते हैं आप स्क्रीन भी कटी हुई सी आ रही है। मैंने फोर्टनाइट डाउनलोड कर रखा है, वो भी अच्छे से नहीं दिख रहा है यहाँ पे। लॉन्च पता नहीं कैसे करूंगा इसका। मैं लॉन्च कर सकता हूँ वैसे वैसे नीचे, लेकिन कर्सर ले जाके तो। और अगर हम इसको फुल स्क्रीन भी करें तो ये देखिए, ये बहुत अजीब है, ये पूरी स्क्रीन यहाँ से कटी हुई है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले क्या करें, आप यहाँ पे जाइए, ये जो एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करिए, और यहाँ पे जो एपिक गेम्स लॉन्चर है इस पर राइट क्लिक करिए, एग्जिट कर दीजिए। अगर आपका कोई इंस्टॉलेशन पहले से ही प्रोग्रेस है या डाउनलोड हो रहा है पहले से ही कोई इंस्टॉलेशन, तो आप ये नहीं करें क्योंकि फिर आपकी इंस्टॉलेशन कैंसिल हो जाएगी पूरी, तो मेहनत पे पानी फिर जाए। और ये प्रोसेस तभी करिए जब आपके सारे इंस्टॉलेशन हो रखी हो या आपको नहीं करनी हो कोई इंस्टॉलेशन। करने के लिए सबसे पहले आप एपिक गेम्स लॉन्चर पे राइट क्लिक करिए और यहाँ प्रॉपर्टीज पे जाइए, इस पे क्लिक करिए। उसके बाद आपके सामने ऐसी एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो पे यहाँ कंपैटिबिलिटी लिखा हुआ है, इस कंपैटिबिलिटी पे आप क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे चेंज हाई डीपीआई सेटिंग्स लिखा है, इस पे क्लिक करिए। और इसके बाद यहाँ पे ओवरराइड हाई डीपीआई स्केलिंग बिहेवियर पे क्लिक करिए, इसे टिक कर दीजिए, एक्चुअली इसे टिक कर दीजिए। और ये जो सिलेक्शन आ रही है यहाँ पे इसे एप्लीकेशन रहने दीजिए। उसके बाद इसे ओके करिए, यहाँ अप्लाई करिए, एक और बार ओके करिए। और इसके बाद आपका एपिक गेम्स लॉन्चर बिल्कुल अच्छे से काम करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे एक बार चला के, देखिए चल गया ये हमारी विंडो। और जहां मैं कर्सर ले जा रहा हूँ वही हाईलाइट कर रहा है। इसे मैं अगर फुल स्क्रीन भी करूंगा तब भी बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल अच्छा परफेक्ट चल रहा है। यहाँ देखिए मेरा फोर्टनाइट भी है, यहाँ स्टोर लाइब्रेरी सब कुछ सही है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। और अगर आप चाहते हैं कि फोर्टनाइट को एक पीसी से दूसरे पीसी में कैसे डालें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि एपिक गेम्स में क्या होता है कि आप ओनली इंस्टॉल कर सकते हो उसको एपिक गेम्स के अंदर, ऐसा नहीं होता कि आप उसे डायरेक्टली डाउनलोड करें। तो अगर किसी को अपने फ्रेंड से चाहिए हो तो वो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे डालें फोर्टनाइट, तो ऊपर वाला लिंक क्लिक कीजिए, आपको पता चल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी है वो। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स में, टैग करें, लाइक करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।